हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है नीमा और मैं स्वागत करती हूँ आपको मेरे चैनल पे। आज का वीडियो थोड़ा सा स्पेशल है क्योंकि आज मैं आपसे कुछ अपनी बचपन की मेमोरीज को शेयर करने वाली हूँ। और ये क्वेश्चन मुझसे मेरे एक सब्सक्राइबर ने पूछा है कि कैसे मैं अपने बच्चे को समझाऊँ कि मेरी सैलरी इतनी नहीं है कि मैं उसे हर चीज़ दे सकूँ। देखिए, कई बार ना हम पेरेंट्स लोगों में ये थोड़ा सा गिल्ट आ जाता है कि यार मैं अपने बच्चे को हर वो चीज़ नहीं दे पा रही हूँ जो उसे देनी चाहिए, या मैं उसे वो सब नहीं दे पा रहा हूँ, उतने अच्छे स्कूल में नहीं पढ़ा पा रहा हूँ, उसे उतने सारे टॉयज नहीं दे पा रहा हूँ, या उसे वो चीज़ें नहीं प्रोवाइड करवा पा रहा हूँ जो शायद उसे मिलनी चाहिए। तो इस तरीके का गिल्ट हम पेरेंट्स लोगों में आ जाता है। तो हम क्या करें और कैसे अपने बच्चे को समझाएं? मेरे बचपन में क्या होता था ना, जब भी मैं अपने पापा से बहुत कुछ मांगती थी ना कि पापा ये भी दे दो, वो भी दे दो, ये भी दिला दो, वो भी दिला दो, मेरे पापा हमेशा एक डायलॉग मारते हैं, मेरे पास पैसों का पेड़ नहीं है। मतलब मुझे लगता है कि मेरी एज के जितने भी पेरेंट्स अभी ये वीडियो देख रहे हैं ना, सबने अपने पेरेंट्स से ये बात जरूर सुनी होगी कि मेरे पास पैसों का पेड़ नहीं है। देखिए, मुझे ऐसा लगता था ना कि शायद पैसों का पेड़ मेरे पापा के पास ही नहीं है, बाकी सबके पापा के पास होता है। तो एक दिन मैं जब रात को सोई, मैंने सपने में देखा कि मेरे पापा ने छत में पैसों का पेड़ लगा दिया है और मैं छत में गई, मैंने पेड़ हिलाया और जैसे ही मैंने ऐसे किया ना, तो बहुत सारे पैसे मेरे ऊपर गिर गए। और मैंने जब उठी तो मैंने अपने पापा से थैंक यू बोला और बोला, पापा आपने छत में पैसों का पेड़ लगा दिया, अब तो मैं कुछ भी ले सकती हूँ। तब उस दिन मेरे पापा ने मुझे समझाया कि बेटा पैसे पेड़ पे नहीं उगते। और मुझे इतना अजीब सा लगा ना ये सुन के कि यार पैसे पेड़ पे नहीं उगते तो कहाँ से आते हैं, क्योंकि हमें तो हर चीज पेड़ से मिलती है, फल सब्जी हर चीज तो पेड़ से मिलती है, तो पैसे भी पेड़ से मिलते होंगे, जितनी बार तोड़ा उतनी बार सामान ले लिया। पहले मुझे यही लगता था, पर जब मेरे पापा ने मुझे ये बात रियलाइज करवाई कि बेटा पैसे पेड़ पे नहीं उगते, पैसे हम अपनी मेहनत से कमाते हैं। ये तो थी मेरे बचपन की बात। भाई, आज की वीडियो में आपका 1 मिनट वेस्ट हो गया मेरी कहानी सुन के। कई लोग अब मुझे कमेंट करेंगे कि आज आपने हमारा 1 मिनट वेस्ट कर दिया। सोचिए, मुझे भी ऐसे कमेंट्स आते हैं जबकि मैं अपनी वीडियो में सिर्फ 4 सेकंड शुरू के और 5 सेकंड लास्ट के लेती हूँ अपने आप को इंट्रोड्यूस करने के लिए और अपनी वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करने के लिए, फिर भी लोग मुझे इस तरह की कमेंट्स करते हैं कि आप हमारा टाइम वेस्ट करते हो। तो अब मैं बात करना चाहती हूँ उस व्यूअर से जो मुझे ये कमेंट कर रहे हैं कि मैं कैसे समझाऊँ अपने बच्चे को कि मेरी सैलरी बहुत ज्यादा नहीं है। देखिए, मैं आपसे अगर अपने पेरेंट्स की बात करूँ ना, मेरे पेरेंट्स, हम 5 भाई बहन हैं, मुझे बचपन में कभी ये रियलाइज होने नहीं दिया कि उनकी सैलरी ज्यादा है कि कम है, कभी नहीं। देखिए, मेरे पेरेंट्स की ना कुछ फंडे हमेशा से क्लियर रहे हैं, वही फंडे मैं आज अपनाती हूँ। देखिए, कुछ बातों का ध्यान हमेशा रखिए। सबसे पहली बात, खुद फालतू खर्चा मत कीजिए। अगर मैं ही 10,000 के कपड़े पहनूंगी ना और अपने बच्चे को बोलूंगी तुम 1,000 रुपए के भी टॉयज नहीं खरीद सकते हो, तो इसमें मेरी गलती है, बच्चे की कोई गलती नहीं है। ये बात अपने दिमाग में हमेशा क्लियर रखिए। अगर मैं ही 50,000 की चीजें खरीदने लग जाऊंगी और बच्चे को 1,000 रुपए की चीज दिलाने के लिए उसे टोकती रहूंगी कि नहीं तुम नहीं खरीदोगे, नहीं तुम नहीं खरीदोगे, तो इसमें उसकी कोई गलती नहीं है। वो उल्टा यही समझेगा कि मेरे पेरेंट्स मुझसे प्यार ही नहीं करते। तो अपनी फिजूल खर्ची को सबसे पहले आप बंद कीजिए। मैं अगर अपनी बात करूं, मैं जब से मैंने यूट्यूब पे वीडियो स्टार्ट करी है, 250 से ज्यादा आई थिंक मैं वीडियो बना चुकी हूँ। सेम कपड़ों पे आपने मेरी 30 या 40 से ज्यादा वीडियोस देख ली होंगी। मेरे कपड़े इतने ज्यादा रिपीट होते हैं कि शायद अब मेरे जो व्यूअर्स हैं ना, वो भी मेरे कपड़ों को पहचान लेते होंगे। तो कभी भी मैं इस बात का ध्यान नहीं रखती हूँ कि मैंने कितने महंगे कपड़े पहने हैं, कितने सस्ते कपड़े पहने हैं, पटरी से लेके पहने हैं कि शोरूम से लेके पहने हैं। यही आदत मैंने अपने बच्चों को भी लगाई है। मैं कभी भी इस बात पर ध्यान नहीं देती कि मैं अपने बच्चों को 50,000 के कपड़े पहनाऊँ या 10,000 के कपड़े पहनाऊँ। कई मेरे फ्रेंड्स हैं ऐसे जिनके बच्चों ने 8-8, 10-10 हज़ार रुपए के कपड़े पहने हैं अपने बर्थडे पे, जो कि मुझे तो बहुत कॉस्टली लगता है, क्योंकि आज तक मैंने 7,000 से ऊपर का लहंगा कभी नहीं पहना। आई थिंक मैंने जो लास्ट लहंगा खरीदा था यस, वो 8.5 हज़ार का था, जो मैंने अपनी सिस्टर इन लॉ की शादी में पहना था लास्ट ईयर। वो मेरे अब तक की सबसे महंगी ड्रेस थी, क्योंकि वो मेरी सिस्टर इन लॉ की शादी पे मैंने पहना था, 8.5 हज़ार का। इससे ऊपर की मैंने आज तक कभी ड्रेस नहीं पहनी, अपने बच्चों को लिए तो छोड़िए, बच्चों के लिए मैंने कभी 500-700 से ऊपर के कपड़े लिए नहीं। तो इसलिए मेरे बच्चे शायद मुझसे इस तरह की बहस नहीं करते। दूसरी बात, भाई हमेशा इस बात का ध्यान रखिए कि बच्चे के लिए जब भी आप कुछ लेने वाले हैं ना, तो उसे बोलिए उससे रिलेटेड सेविंग करने के लिए। मतलब अभी 2 महीने पहले जब मैंने अपनी बेटी के लिए स्केटिंग्स खरीदी थी, तो उससे पहले 2 महीने मैंने उसे बोला कि अब तुम कोई भी बाहर से चिप्स या चॉकलेट लेकर नहीं खाओगी, वो पैसे सेव करोगी तो मैं आपके लिए स्केटिंग खरीदूंगी। मेरे हिसाब से तो ये बहुत अच्छा तरीका होता है बच्चों को सेविंग सिखाने का और बच्चों की पैसों की कदर सिखाने का। देखिए, जब मेरी बेटी ने
अगर मैंने उसके लिए 4,500 रुपए की स्केटिंग खरीदी है, अगर उसने खुद 1,000 रुपए भी जोड़ लिए ना, तो यकीन मानिए उसे वो 1,000 रुपए की तो कीमत रहेगी ही रहेगी, उसे वो स्केटिंग की भी बहुत कीमत रहेगी, उसकी भी उसको बहुत कदर रहेगी। एटलीस्ट वो उसे तोड़ेगी नहीं, फालतू में खराब नहीं करेगी, उसे उससे बहुत ज्यादा लगाव रहेगा कि देखो मैंने पैसे जोड़े थे ना, तो ये मैंने अपने लिए खुद खरीदा। अगर हर चीज मैं उसके बिना मांगे उसको देती रहूंगी ना, तो वो उसे उसकी कभी कदर होगी नहीं। तो दो चीजों का ध्यान हमेशा रखिए, सबसे पहले अपनी फजूल खर्ची को बंद कीजिए, अपने फालतू के खर्चे सारे बंद कीजिए। बच्चे को हम नहीं बोल सकते हैं जब तक हम खुद नहीं सुधरेंगे। दूसरी बात भाई, बच्चे के लिए कुछ भी खरीद रहे हैं ना, तो उससे बोलिए थोड़ी सी सेविंग तो आप भी करो। अगर आधे पैसे मम्मी दे रही है तो आधे पैसे आप जोड़िए, जरूरी नहीं है कि पूरे पैसे वही जोड़ेगा। थोड़ी सी एटलीस्ट उसको अगर सेविंग करने की थोड़ी सी आदत लग जाती है इससे, तो इससे अच्छी बात कोई हो नहीं सकती। तीसरी बात भाई, कभी भी इस बात के गिल्ट में मत रहिए कि मैं अपने बच्चे को चीज दिला सकती हूँ पर मैं नहीं दिला रही हूँ। देखिए क्या होता है ना, कई पेरेंट्स दिला सकते हैं, मैं उन्हें तभी भी बोलती हूँ कि कभी भी अपने बच्चे को एक आवाज में हर चीज मत दिलाइए। इससे क्या होता है ना, बच्चे की मांगने की भी आदत हो जाती है, दूसरी उसे पैसों की कभी कदर रहती नहीं है। आज वो आपसे छोटी चीज मांग रहा है, कल को वो आपसे और बड़ी चीज मांगेगा। एक टाइम तक तो मैं उसे हर चीज दे सकती हूँ, पर उसके बाद उसकी जो रिक्वायरमेंट्स की जगह उसकी जो डिमांड्स हो जाती है ना, वो पूरी कर पाना हम लोग के लिए हो जाता है थोड़ा सा मुश्किल। तो हर चीज बच्चे की एक आवाज में मत दीजिए। उसे हमेशा समझाइए बेटा अभी नहीं मिलेगी आपके बर्थडे पे मिलेगी, अभी नहीं मिलेगी दिवाली पे मिलेगी। मुझे याद है जब मैं छोटी थी ना, मेरे को मेरे बर्थडे का और दिवाली का इतना क्रेज होता था, क्योंकि हमें साल में 2 बार कपड़े जरूर मिलते थे, एक बर्थडे पे एक दिवाली पे। इसके अलावा किसी रिलेटिव की शादी हो गई तो फिर तो एक एक ड्रेस और मिल जाती थी। तो ये दो चीजें तो हमें मिलती ही थी बर्थडे पे और दिवाली पे। पर आजकल के बच्चों में ऐसा कुछ नहीं है, हर महीने हम उनके लिए कुछ ना कुछ ले आते हैं, तो उनको किसी भी फेस्टिवल का कोई क्रेज नहीं है, अपने बर्थडे का कोई क्रेज नहीं है। तो हमेशा अपने बच्चे को बताइए थोड़ा इंतजार करो, आपके बर्थडे पे लाएंगे, सबसे आसान तरीका ये होता है, या फिर थोड़ा इंतजार करो दिवाली पे लाएंगे। इस तरीके से हम कुछ टाइम के लिए बच्चे की जो डिमांड्स होती हैं उन्हें टाल सकते हैं। तो कभी भी ये मत सोचिए आप कि आपकी सैलरी कम है तो आपका बच्चा खुश नहीं होगा, ऐसा बिल्कुल मत सोचिए। एक बात का ध्यान हमेशा रखिए, ये बात अपने दिमाग में हमेशा क्लियर रखिए कि बच्चा मेरे से मेरे प्यार की वजह से कनेक्टेड है, मेरे पैसे की वजह से नहीं। अगर आपको लगता है ना कि आपके साथ जो है वो आपके सिर्फ पैसे की वजह से कनेक्टेड है, समझ लीजिए आपका रिलेशन में कोई दम नहीं है। अगर हाँ, आपका रिलेशन आपके बच्चे के साथ, आपकी वाइफ के साथ, आपके हस्बैंड के साथ प्यार की वजह से कनेक्टेड है ना, तो ये रिलेशन बहुत आगे तक जाने वाला है, तो पैसे की चिंता मत कीजिए। तो चलिए फिर आज के लिए बस इतना ही। अगर ये वीडियो रहे आपके लिए यूजफुल तो लाइक जरूर कीजिएगा, शेयर जरूर कीजिएगा, और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा मेरे चैनल को। सब्सक्राइब करते वक्त नोटिफिकेशन बेल जरूर दबा दीजिएगा, नहीं तो आपको नोटिफिकेशन मिल नहीं पाएंगे। आप मुझे फेसबुक और इंस्टाग्राम पे फॉलो भी कर सकते हैं, किड्स कलरिंग फन के नाम से है मेरा पेज। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।